Konika Kansal, welcome you all on BYJU'S exam prep. So yes guys, today is the very important session, that is the 50 questions of commerce part 1. Part 2 ke liye 4 baje milenge dobara, theek hai ji, on BYJU'S exam prep app ke upar. So yeah, once please give me a quick confirmation, are you guys ready for this session? Everybody please give me a quick confirmation क्योंकि अब ये जो 50 questions हम करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए important है, ठीक है जी? So once please give me a quick confirmation, everything is PPT is visible, my voice is audible, so that we will proceed further. Yes, yes, yes. Everybody please give me answer. Everything is clear? Okay. So चलिए जी, आज जो हमारा एजेंडा है 50 questions का, अब हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं 50 questions के एजेंडे को. And this is the part 1, जो आज हम 25 questions यहां पर डिस्कस करेंगे. And 25 questions हम डिस्कस करेंगे ऐप के ऊपर. So, आपके सामने ये क्वेश्चन है, कर दीजिए आंसर, व्हाट यू थिंक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली. द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ओके, सो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, दैट्स गुड. सो ज्योति पाटिल का तो आंसर आ गया है, उनका कहना है देयर इज द सी ऑप्शन, गुड, वेरी गुड. And B option, that's great. So, देखिए जी, जो हमने इसका answer जो है, definitely there is the B. जब हम एक expression की बात कर रहे हैं, that is called the semantic, right? Selection, perception नहीं है. जब आप एक expression, जहाँ पर आप अपने words, expression, जब आपके face expression के ऊपर बात करते हैं, that is called the semantic barriers, right? So, चलिए, next question for you guys. Which one of the following comprises people with complementary skills committed to a common purpose, common preferences, goals, and an approach for which they hold themselves mutually accountable? Yes, everybody, please give me the answer. Which one of the following comprises people with complementary skills committed to a common purpose, common preferences, and an approach for which they hold themselves mutually accountable? So, yahan par ji second ka answer aana start ho gaya hai. Bahut soch samajh ke answer karna. November month hai. और इसमें आपको अपने आप को जितना हो सके फर्निश करना है. अब जो सेशंस भी इसी तरह से आएंगे, हम ट्यूसडे एंड थर्सडे मिला करेंगे, पार्ट 1 वाईटी, पार्ट 2 हम ऐप पर, ताकि ऑल ओवर हम मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इस टाइम पर प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है जी? सो यस, यहां पर जी करेक्ट आंसर सेकंड का जो आया है, बिल्कुल, दैट इज द टीम. जब वो चीज एक कॉमन वर्ड ने हमें हिंट दे दिया था, ये तो टीम है, ठीक है जी? क्योंकि एज अ टीम होंगे तो ही हम अपने पर्पस गोल्स को अचीव कर सकते हैं. सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजीशन फ्रॉम व्हिच समवन इज unlikely to move to a higher level of work responsibility. Career goals, career path, career progression, ye sare ke sare career plateau. Okay, so yahan par ji answers aane start ho gaye hain, and jo third ke liye answer aa raha hai, that is the D option. Okay, good, good, good. ठीक है जी, वेरी गुड. सो ज्यादातर स्टूडेंट्स के डी आए हैं, कि ऐसी कौन सी पोजीशन है समय इज अनलाइकली टू मूव द हायर लेवल, कि अगर मैं हायर रिस्पांसिबिलिटी पर, ठीक है जी,
मैं अपना पसंद नहीं है, संभावना नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड द करियर प्लेटो। देखिए जी, करियर गोल्स पाथ प्रोग्रेशन फ्यूचर की तरफ है, बट प्लेटो क्या क्या कहते हैं, कहते एक मोमेंट है जब हम एक टाइम पर पहुंच जाते हैं ना, हमें लगता है यार इससे आगे हमने नहीं करना। आपने देखा होगा कि बहुत बार गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि वो अपनी उसी पोजीशन पर रहना चाहते हैं, ठीक है जी, तो और पोजीशन, तो जब वो उसी पोजीशन पर रह रहे हैं, फीलिंग बोर हो जाते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फुलफिलमेंट के लिए, बट स्टिल उनके आगे कोई स्कोप ही नहीं है कि वो इससे हायर लेवल पर जा सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंग्लिश, आफ्टर दैट हिंदी, जहां पर गोल, स्ट्रेटजी, मिशन, रूल, इन सब चीजों के ऊपर बात करनी है क्विकली। हां जी, व्हाट इज योर गोल, स्ट्रेटजी, मिशन एंड रूल? ओके, हाँ जी, ये जो चीजें होती ना, ये वाली, ये इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी के ऊपर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन के आता है। सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शन और टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पर्सपेक्टिव देख लीजिए। टाइम फॉर हिंदी, हिंदी वाले भी सोच समझ कर कर दीजिए आंसर, व्हाट यू थिंक? ओके, सो यहां पर जी जो आंसर आ रहा है, दैट इज द सी ऑप्शन। गुड गुड गुड, ओके, सो सी ऑप्शन आ रहा है आप सबका। बिल्कुल जी, वेरी गुड, सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेल गाइस, वेरी वेल। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाइपोथेसिस के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, आई होप अब आपने जितना आपका, हमने लास्ट एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी कि एक दिन में एक यूनिट पेपर वन, वन यूनिट फॉर पेपर टू रिवीजन जरूर करिएगा, दिन बहुत कम है। अभी कभी भी आपको नोटिफिकेशन आ सकती हैं कि कब आपका एग्जाम होना है, सो टिल 15 नवंबर तक चांसेस है कि आपको पता लग जाएगा सब कुछ, सो मेक श्योर अपना बेस्ट परफॉर्म करें। सो यहां पर जी करेक्ट आंसर जो फिफ्थ के लिए आ रहा है, दैट इज द ए ऑप्शन। ग्रेट, सो बिल्कुल जी, यहां पर आपने जो हर किसी की एजम्पशंस लर्न कर दीजिए, आपकी जो एजम्पशन चाहे वो इकोनॉमिक्स में है या फिर फाइनेंस में, हम कुछ एजम्पशंस फॉलो करते हैं, या फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस में हैं, जिस किसी सब्जेक्ट में आपको कहीं पर भी इनकी एजम्पशंस दिखाई दे रही हैं, सो मेक श्योर कि उन एजम्पशंस के बेसिस पर आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है जी। सो यहाँ पर एमएम हाइपोथेसिस है, मे बी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, डिविडेंड के भी एजम्पशंस हैं, स्ट्रक्चर सारी जितनी भी थ्योरीज है उनकी एजम्पशंस हैं, हर चीज को टिप्स पे कर लीजिए। ओके, सो नाउ यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दीजिए आंसर। अगेन दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉस्ट। नो निकमेक, कल नहीं थी, ट्यूसडे एंड थर्सडे ही हम मिला करेंगे, दैट इज 11 एंड 4। ओके, वेरी गुड, सिक्स आपके लिए आ गया है, थैंक यू सो मच पूजा। If the actual production of units is lower than the budgeted level of the production, मतलब आपका जो budgeted level है और जो actual production है, that is less, तो इस case में would be lower than, which of the कौन सी cost आपकी budgeted cost से less होगी, तो definitely
there is the variable cost. ठीक है जी, जो आपके total variable वो आपकी overall कम होंगे, right? So चलिए जी, इसके बाद जो हमारा आ रहा है, next question आ रहा है, this is the one of the important question है जो आपको consider करना है. अब ये दिखने में पैसेज बेस्ड लग रहा है, बट डेफिनेटली आपने इसका 100% एक्यूरेट आंसर करना है. सो द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये क्वेश्चन एचआरएम के रिलेटेड है. एक आपको सिनेरियो क्रिएट करा गया है एंड जिस बेस पर आपको बताना है कि किस तरह की जॉब यहाँ पर बेस्ट रहेगी, कौन सा एनालिसिस मेथड इस सिचुएशन में बेस्ट रहेगा. सो ओके, I hope seventh question English वालों ने read कर लिया है. Now there's a time for Hindi. Yes. Job analysis, job description, job specification, इनके ऊपर 100% questions पूछे जाते हैं. वो statement भी हो सकती है, assertion reason भी हो सकती है, कुछ इस तरह की situation create करके भी वो आपसे पूछ सकते हैं. So यहाँ पर seventh का जो answer आ रहा है, that is the C option, okay, good. So yeah, ज्यादातर students का जो answer आया है, that is the C. बिल्कुल जी, C is your correct answer. आज काफी हद तक आपके questions correct जा रहे हैं, and that is good for you guys, right? So चलिए, next question. Which out of the following is the principal financial institution for the promotion, financing and development of industries in a small scale sector and to coordinate the functions of other institutions engaged in similar activities? Infrastructure Development Finance Company, Industrial Finance Corporation, Industrial Development Bank, Small Industries Development Bank. Okay? Yes. Okay, so यहां पर सिद्ध भी आपका कहना है, यानी कि Small Industrial Development Bank of India. Good, very good point. So देखिए जी, financing and development coordinate the similar activities. So यहां पर जो hint आपने ये choose करा, मुझे लगता है कि आपने इसको देखते हुए फटाफट से सिद्ध भी को choose करा है. That is the good. इसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं. जहां पर स्मार्ट वर्क एप्लीकेबल हो जाए, कि फाइनेंसिंग था वर्ड, डेवलपमेंट था, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन था, ये सारी चीजें स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर है. सो यस, द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. दिस इज द वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए. Which of the following institutions is responsible for the execution of India's import-export policies? ओके, सो यहां पर जी, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड कमोडिटी बोर्ड्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. मुझे पता था कि आप सब इसमें डी करेंगे, क्योंकि आपने अगर रिसेंटली 2023 के पेपर्स को सॉल्व करा है, उसमें आपने डेफिनेटली इन चीजों को जरूर देखा होगा कि हम जब फॉरेन के बारे में बात करते हैं या एफडीआई के बारे में बात करते हैं, ट्रेड के ऊपर बात करते हैं, तो हमने डीजीएफटी के बारे में जरूर सुना है. बट ये जो क्वेश्चन क्या है, एग्जीक्यूशंस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज के ऊपर है, क्या इसके कंटेक्स्ट में ये डीजीएफटी है? बिल्कुल ये है, क्योंकि यही एक मेन इंस्टीट्यूशन है जो ऑल ओवर इंटरनेशनल के प्रस्पेक्टिव से बात करता है. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस. टू फ्रेंड्स आर ऑन व्हाट्सएप डिस्कसिंग अ हॉलिडे प्लान.
दो फ्रेंड्स आपस में एक व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हैं हॉलिडे पे कहाँ जाएं। इमीडिएटली वहां पर ऊबर ऐप पॉपअप होती है विद इन द व्हाट्सएप टू हेल्प बुक अ राइड एंड प्रोवाइड एन एस्टिमेट। दिस इज नोन एज। तो देखिए जी, ये एक तरह का इस तरह का क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, आप सबसे पूछे जा सकते हैं कि अगर मैं आपको बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं और सडनली जो जो चीज हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं वो हिंट चला जाता है, तो उसी तरह के मैसेज पॉपअप होने लग जाते हैं। तो क्या आप इसको कॉन्टेक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग बोलेंगे, मेल ऑर्डर मार्केटिंग बोलेंगे या फिर टेली मार्केटिंग आप इसको बोलेंगे? ओके, पॉपअप होना जो ऊबर की ऐप विद इन द व्हाट्सएप टू हेल्प बुक अ राइड। सो ठीक है जी, यहां पर कुछ का कहना है ए, कुछ का कहना है डी। देखिए, टेली मार्केटिंग तो होता है जैसे टेलीफोनिक मार्केटिंग होती है, तो क्या आपको वो टेलीफोनिक मार्केटिंग होगी? नहीं ना। ठीक है जी, मेल ऑर्डर भी नहीं आएगा, डायरेक्ट भी नहीं होता है, ये आज का टाइम एक डिजिटल मार्केटिंग का है। ठीक है जी, कहते आज के टाइम पर आप देखते हैं इंटरनेट मार्केटिंग बेस पर, जहां पर जो भी आपकी एड क्रिएट करी जाती है ऑन द बेस ऑफ योर हिस्ट्री, जो भी आप रिसेंटली ब्राउजिंग हिस्ट्रीज होती हैं उस बेस पर आपके लिए एड्स को कार्टर करा जाता है कि इस तरह की एड इस तरह के पर्सन को चली जाए। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे आप एक इंटरनेट पर क्लिक करते हैं आपके पर्पस के रिलेटेड, जो आपने रिसेंट कभी गूगल पर सर्च करा होता है, कभी आपने व्हाट्सएप पर चैट करी होती है, तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको वो मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? राइट, सो यहाँ पर जब हम एक टेली की प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, टेलीफोनिक उसमें मार्केटिंग भी कंसीडर करी जाती है। सो व्हाट्सएप इज एन एप्लीकेशन दैट रन्स थ्रू इंटरनेट, है ना, इसके थ्रू आप एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इसी में जो पॉपअप होता है प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, तो वो उसी का है, कॉन्टेक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग का। ओके, सो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन्होंने अभी तक वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड नहीं करा है, काइंडली वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड कर लीजिए। अब आपकी थर्ड यानी कि कल को आपकी एक वर्कशॉप होने जा रही है, इसमें आपने जरूर पार्टिसिपेट करना है। सो या आप सबने मुद्रा योजना के बारे में जरूर सुना होगा, बस इसी मुद्रा योजना के प्रोस्पेक्टिव से ही आपने आंसर करना है। फर्स्ट इंग्लिश, आफ्टर दैट हिंदी। ओके, अर्चना ने तो आंसर कर दिया है, दैट इज द सी। आई होप आप सबने मुद्रा योजना जरूर पढ़ ली होगी। टाइम फॉर हिंदी। ओके, सो ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो आंसर आ रहे हैं दैट इज द सी, गुड। ओके, सो यस, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का सी है, बहुत अच्छी बात है कि आप सबने इस योजना जो स्कीम्स आती रहती है सब चीजों के ऊपर आपने जरूर पढ़ लिया है। सो यस, द करेक्ट आंसर डेफिनेटली देयर इज द सी ऑप्शन। ओके, सो देखिए, जो मुद्रा योजना है 2015 में लॉन्च करी गई थी अप टू 10 लाख के लिए। प्रधानमंत्री योजना, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बजट अलॉटेड करे गए हैं। ओके, सो देखिए जी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये एक PYQ है। ओके, अब ये जो 20 तक थी, इसी तरह जो 21 से लेके 25 तक आएगी, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है,
उसमें कितना एक्सपोर्ट रेस करने की बात करी गई है। अब मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के आपके करंट पार्ट आते हैं जो पॉलिसीज बिल्ड होती हैं, कुछ 2 इयर्स, 1 इयर्स, 5 इयर्स के लिए होती है। अब आपका होमवर्क क्या है कि जो रिसेंटली इंडिया ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर एक्सपोर्ट कितने परसेंट रेस करने की बात करी गई है, वो जो करी गई है उसको अपने कमेंट बॉक्स पर बताना है। आई विल चेक दैट कि आप सब ठीक बता रहे हैं या ठीक नहीं बता रहे हैं। सो यस, अकॉर्डिंग टू द दिस पार्ट दैट इज द 3.5% थी जो उस टाइम 20 में हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, सो धीरे धीरे करके ये चीजें एक्सपेक्टेशन है कि और बढ़ती जाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आपको क्या लगता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के टुवर्ड्स कौन सी चीज राइट नहीं है? ओके, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द पोस्ट कंजम्पशन फिनोमिना। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज माइल्ड पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉग्निटिव अप्रेजल। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर लॉयल्टी, बोथ आर सेम कंसेप्ट। आपको बस ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्वेश्चन इजी है, मुझे गलत आंसर नहीं आना चाहिए, किसी के पीछे लग के आंसर नहीं करना है। एवरीबडी प्लीज गिव मी अ रिटन कंफर्मेशन कि मैम हम अपने खुद से आंसर कर रहे हैं, किसी के पीछे नहीं कर रहे हैं। प्लीज गाइस बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि ये टाइम किसी के पीछे लग के नहीं, ये टाइम अपने आप के लिए है, ये टाइम अपने आप को बेटर करने के लिए है, ये टाइम अभी वीकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए है। तो जितना हो सके अपने अंदर खामियों को निकालो, ना कि किसी को देखकर अपना उस खामियों को छुपा लो। ओके, सो यस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल जी, दैट इज द डी है। क्या आपको लगता है कंज्यूमर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कस्टमर? क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी सेम है? नहीं, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस है। ठीक है जी, लॉयल्टी when you loyal about the one thing, ठीक है जी, satisfaction when you consume something, how much you feel satisfied, ये उस चीज के ऊपर बात करते हैं, right? So चलिए जी, next question for you guys, Singapore Airlines offer personalized service at the airport, excellent service in flight, a menu of customers' choice, personal TV etc. It is an example of what? Good, good, good. Everybody please tell me what is the correct answer. 14th के लिए very good. Renu सबसे actively answer कर रही हैं. Jyoti, Shubhi, Pooja, Vikash, very good. Archana, very good. Nikmik, Utkarsh, Rashmi, Neetu. ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स आ गए हैं। ज्यादातर जो आंसर है दैट इज द सी एंड द डी। ओके, गिरिजा का भी आंसर आ गया है, सृष्टि का भी आंसर आ गया है। सो यस, पूजा सिंह, मंशा, यस द करेक्ट आंसर इज द डी। सिंगापुर एयरलाइन ने एक पर्सनलाइज सर्विस ऑफर करी है एयरपोर्ट पर, एक्सीलेंट सर्विस फ्लाइट है, मेन्यू ऑफ कस्टमर चॉइस पर्सनल टीवी सेक्टर है, ये एक तरह का एक्सपीरियंस ब्रांड है। क्या यहाँ पर कोई इमेज के ऊपर फोकस करी गई है? कहते ब्रांड एक्सपीरियंस क्या होता है, जहां पर ब्रांड एज अ होल ऊपर फोकस करता है। ठीक है जी, कहते मैं एज अ होल, सिंगापुर एयरलाइन एज अ होल जब कंसीडर करती है, जो वो होल पैकेजेस के ऊपर बात करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो सिंगापुर है एज अ होल के ऊपर बात कर रही है, चाहे फूड हो, कुछ भी हो,
ठीक है जी, वो पार्ट्स के ऊपर नहीं, जब एज अ होल हम कोई चीज करते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्रांड एक्सपीरियंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट ओके बाय डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गाइस यहां पर इन चीजों को लर्न कर लीजिएगा कि अगर आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं व्हाट आर द मोड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ द पेमेंट। एक एंटर करने के तरीके हैं, एक पेमेंट करने के वेज हैं, इन दोनों को आज ही रिवाइज करके सोना है क्योंकि एंट्री एंड पेमेंट के ऊपर 100% है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो यहां पर बाय डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड, अगर आप फॉरेन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं दैट इज द डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर एक्सपोर्ट कर ही रहे। यस निक में क्या आपको क्वेश्चन में हिंट है कि मैं कुछ सामान बाहर भेज रही हूँ? नहीं, कोई लाइसेंसिंग की नहीं। कहते जब आप एक फॉरेन मार्केट में एंटर करें बाय वहां एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, मतलब मैंने वहां पर इन्वेस्ट करा तब जाके मैंने वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली जो वहां जाके भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। आपने इंडिया में देखा होगा कि बाहरी कंपनीज इंडिया में आके अपनी इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ की लैंड बाय करती हैं, यहाँ पर एक कंपनी बनाती हैं जो वो अपने वहाँ के प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसको आप FDI बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैच एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, कर दीजिए आंसर क्विकली, बहुत सोच समझ कर आंसर करना है। हाँ जी, व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द फीचर आपके लिए गिवन है, फटाफट से कर दीजिए आंसर, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। प्लीज इनकी एजम्पशंस या इनके फीचर्स को 100% आने ही आने हैं, तो प्लीज लर्न कर लीजिएगा। यस निकमेक, सो या 16th के लिए आंसर फटाफट से आ गया है, मतलब आप सबने कटिंग कंसेप्ट को लगाया है। ओके सो या टाइम फॉर हिंदी, गुड गुड गुड। सो यहां पर सभी का आंसर, क्या सबने कटिंग कंसेप्ट यूज करा है? एवरीबडी प्लीज टेल मी, डिड यू यूज द कटिंग कंसेप्ट मेथड? सो यस, इफ यू यूज द कटिंग कंसेप्ट मेथड सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। ठीक है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड द मोनोपोलिस्टिक, ये चीजों की क्लैरिटी होना चाहिए है। एक्चुअली जब हम एक मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहली चीज क्या आप सबने इनके फीचर्स को अच्छे से कर लिया है? यस और नो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पर एवरी पर्सन प्लीज टेल मी क्या आपने इनके फीचर्स को कर लिया है। देन इनके फीचर्स के साथ साथ इनके अंदर जो डिमांड कर्व हम ड्रॉ करते हैं, उन डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी आप सबको क्लियर है कि हर एक परफेक्ट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या, यू नो इनफिनाइट इलास्टिसिटी चली जाती है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में, मतलब आपने ये सारी डिमांड की इलास्टिसिटीज को अच्छे से कर लेना है। इसके बारे में मुझे बताइए क्या आपको ये क्लियर है। मार्केट स्ट्रक्चर का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव हमें हमारे लिए आता है कि हाउ यू डिसाइडेड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपको क्या पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है। फोर्थ पॉइंट, हाउ यू डिसाइडेड कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या आपको
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे आपको हिंट मिलेगा। बस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको ये तीन चीजों की क्लैरिटी है, दैट्स इट। फर्दर आपको एग्जांपल्स तो पता ही है, इनके डायग्राम्स आपको अगर क्लियर है तो जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो बेस है वो ये वाली डायग्राम होती है, ठीक है जी। मोनोपोली की बात करते हैं उसका बेस ये होता है, मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं उसका बेस अलग होता है, ओलिगोपोली की बात करते हैं उसका बेस अलग होता है, एंड एक आपका इसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो मोनोपोली के अंदर आता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर ये चीजें अगर आपको क्लियर हैं, मतलब आपका एक या दो क्वेश्चन 100% करेक्ट होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ऑल आइडियाज आर अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज इज एन आइडिया दैट हैज द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, ड्यूरेबल एंड टाइमली। गुड गुड गुड। बहुत सोच समझकर आंसर करना है। ओके, सो यस, यहां पर जी ऑल आइडियाज आर अपॉर्चुनिटीज, सो इस बेस पर जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज द ए ऑप्शन। गुड, सो बिल्कुल जी। अब हमारा यहां पर आ गया है जी ऑल आइडियाज आर अपॉर्चुनिटीज, डू यू थिंक? नो, देखिए आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, पर वो अपॉर्चुनिटीज कब बनती हैं? अगर उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अगर इवन कि आपको आप अगर स्टेटमेंट सेकंड ट्रू कह रहे हैं कि द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, ड्यूरेबल एंड टाइमली, जो आइडिया आपका टाइमली हो ही नहीं सकता, हाउ यू कैन से दैट इज अपॉर्चुनिटी? यस और नो? हाँ जी, आपके माइंड में आइडिया आया बट आपको उसका टाइमली वो चीज पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हाउ यू कैन से दैट दैट इज योर अपॉर्चुनिटी? हाँ जी बोलिए। नहीं ना, यहां पर क्या है, एक आइडिया आपके माइंड में एक कंसेप्ट है, क्या आप उस कंसेप्ट को, आपके माइंड में प्रोडक्ट आ गया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, क्या हर एक प्रोडक्ट को आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं? नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के रिसोर्सेज अवेलेबल है, टाइमली उस चीज को कर सकते हैं या नहीं। कभी कभी वो चीजों की परमिशन अलाउ नहीं करता, कभी कभी चीजें अनफेवरेबल हैं, तो क्या आप उसको अपॉर्चुनिटी में बना दोगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड ऑल था, इस कारण ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है, ठीक है जी। अब ये देखिए, यही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पर, आइडिया इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटी, समटाइम वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आपकी वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी बल्कि वो आपकी वीकनेस बन गई, है ना। हमें अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करनी है, ना कि वीकनेस के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यस, नीति आयोग GOI has launched a scheme to develop an ecosystem for women entrepreneurship in India. उस स्कीम को आइडेंटिफाई करिए, ये आपके पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो कर दीजिए आंसर व्हाट यू थिंक। विमेन एम्पावरमेंट एजेंसी, GOI means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नारी शक्ति आयोग, विमेन नॉलेज सेंटर। ओके, सो यस, यहां पर जी जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी ऑप्शन एंड सी। तो देखिए जी, नीति आयोग जो है, स्पेसिफिकली विमेन अगर हम बात करते हैं, दैट इज अ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, नहीं नारी शक्ति नहीं है जी।
एक्चुअली ये जो आपको बताया गया है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसके 3 पिलर्स हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव है कि वीमेन को फ्री क्रेडिट रेटिंग, मेंटोरशिप, फंड सपोर्ट, हर चीज मिलेगा अगर वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स द डिमांड इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम बट स्लो डाउन विद फर्दर इंक्रीज इन इनकम। ओके, इंटीरियर गुड्स, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी एंड प्रेस्टीजियस गुड्स। सो यहां पर जो आंसर आ रहा है दैट इज द सी ऑप्शन और देर इज द बी ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन भी आ रहा है। तो देखिए जी, इंटीरियर वैसे तो यहाँ पर है जी इंफीरियर गुड्स की हम बात करते हैं, इंटीरियर तो है ही नहीं। सो यहाँ पर आंसर इज द सी। अगर आपने देखा हो कि नॉर्मल गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रैपिडली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इनकम, कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो ठीक है आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। एज यू नो वेरी वेल कि नॉर्मल गुड्स में इनकम एंड डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है, यस और नो? ठीक है जी, कहते बट स्लो डाउन, बट एक पॉइंट पे अगर जब हमारी यू नो इनकम बढ़ रही है बट हमारी डिमांड इतनी बढ़ती नहीं जितनी पहले बढ़ रही थी, वो एक की सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में ही हैपन होता है। कहते आपके पास एक नॉर्मल गुड क्या है, अच्छी क्वालिटी का पेन है जो 10 रुपए का है। ठीक है जी, ये एक आपका इंफीरियर गुड है जिसपे आपके पास 2 रुपए का पेन है, ये इंफीरियर है, ये नॉर्मल है। ठीक है जी, कहते अगर एक इनकम इंक्रीज हो जाती है मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर पेन नॉर्मल ज्यादा खरीदूंगी एज कंपेयर टू द दिस, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है, बट एक पॉइंट पर आकर मैं स्टॉप कर जाऊंगी, मैं और बाय नहीं करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, विच इज द 1 मंथ फॉरवर्ड प्राइस। प्लीज एक बार जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट आर द फ्यूचर प्राइसेस, What are the forward prices? ठीक है जी, और फर्दर जितने भी आपके स्वैप्स हैं इनको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर भी आते हैं। सो यहाँ पर जब क्रूड ऑयल ट्रेडिंग एट $70.70 विच इज एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 5%। सो यस, यहाँ पर जी आपका जो आएगा फॉरवर्ड का हमने बताना है, दैट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 5% है एंड मंथली स्टोरेज कॉस्ट अमाउंट इज दिस। एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना है, जब आप एक फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं 70+, क्योंकि हमें बोला गया था 5% ऑफ, राइट? जो पीछे हमें मेंशन था 5% था, तो आप 70 कर दीजिए प्लस 0.60 जो आपके एडिशनल थे, ओवरऑल आपका प्राइस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बैंकिंग के रिलेटेड है, द कोऑपरेटिव बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनएक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा कॉर्पोरेटिव बैंक नहीं है? ओके, सो यस, यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज द सी ऑप्शन। हां जी, आरआरबी बिल्कुल भी कॉर्पोरेटिव नहीं है। यस, वेरी फाइन, आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है,
रीजनल वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है जी, और लोगो एक्रॉस है, वो स्पेसिफिक एक सोसाइटी एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट इन द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आर, व्हाट यू थिंक? हां जी, इसका सेकेंड पार्ट 4 बजे आना है। आज हम 25 क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, 25 क्वेश्चंस हम ऐप पर करेंगे 4 बजे, तो मेक श्योर अपने लिए इसका टाइम जरूर निकाल लीजिएगा। तो आज आप 50 क्वेश्चंस फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ, ओके? सो यस, यहां पर जी करेक्ट आंसर से पहले टाइम फॉर हिंदी। ओके, सो यस, यहां पर जी जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज द सी ऑप्शन, और यू कैन से डी, ओके। सो बिल्कुल जी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज द डी। जिन्होंने सी दिया है बहुत अच्छी बात है, आपने सोचा कि डी वो ठीक है, बट इसके प्रोस्पेक्टिव आपने कुछ और क्या सोचना था कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट आर, प्लीज एक जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है ना, इनके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आते हैं वो भी याद कर लो, ठीक है जी। सोर्स ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड इन लिमिटेड सेंस, एडेड बैक टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। So, यहां पर हम सोर्सेज ऑफ द फंड इन अ लिमिटेड सेंस हम जब बात करते हैं, सो यहां पर एक लिमिटेड सेंस हम जब यूज कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, डेप्रिसिएशन जैसे डिविडेंड टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, राइट, कुछ चीजें होती हैं कि वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, सो दैट इज द प्रोस्पेक्टिव, द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, इंडिकेट द करेक्ट आंसर for the combination from the following regarding the conditions for the applicability of a binomial distribution. Yes, yes, Renu. Limited मतलब कुछ cases में है, कुछ cases में you can consider ना, but आप all over नहीं कह सकते कि हम उसको consider करना है, that is the point. Yes, yes, yes. Indicate the correct answer, the combination from the conditions for the applicability of binomial. हाँ जी, binomial के बारे में ही सोचना है and then इसका answer करना है. Time for Hindi. ओके, सो यहां पर जी आंसर जो आ रहा है दैट इज द सी ऑप्शन, ओके। आर यू श्योर सी इज द करेक्ट? आर यू श्योर? सो देखिए, जब हम एक बाइनोमियल, तीन चीजें इसमें ध्यान में रखना, जहां पर आउटकम सिर्फ दो हो, पहली चीज। सेकंड चीज क्या कहता है कि एन फाइनाइट होने जरूरी है, ठीक है जी। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज द सी, क्योंकि यहां पर हमें बोला जाता है एन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, टू पॉसिबल आउटकम्स हैं, हां जी टू पॉसिबल आउटकम्स हैं, टू आउटकम नॉट रिमेन्स द कांस्टेंट, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ओके। सो यहां पर एक्चुअल में जो सी है, द टू आउटकम डू नॉट रिमेन्स द कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, ये कहां का कंडीशन है, कांस्टेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस,
आज के सेशन का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है. रेस्ट 25 क्वेश्चंस वी विल डू ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप एट 4 PM. So the organizations encounter many different forces for change, which may be external or internal. Which among the following does not come under the external forces of change? ओके, सो यहाँ पर 24th के लिए जी आपका आंसर आना है, दैट इज द सी ऑप्शन. हाँ जी, दैट इज चेंज इन लीडरशिप, नॉट कम अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस. ओके, यानी कि आपको एक इंटरनल के प्रोस्पेक्टिव से बात करनी थी कि डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, मे बी एक्सटर्नल इंटरनल, कि कौन सा एक्सटर्नल नहीं है. ठीक है जी, तो वो है हमारा चेंज इन लीडरशिप. ओके, so yeah, I hope now you have the clarity. अब ये वाला जो question है, that is your homework question, right? So make sure इसका answer आपको कहाँ पर करना है, after the session comment box पर करना है. And the जो rest आपके 25 questions हैं, like 26 से लेके 50 तक हम डिस्कस करेंगे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर. सो जो इसका आंसर है वो मैं आंसर भी ऐप पर ही इसका आंसर बताने वाली हूँ. ठीक है जी, तो 4 बजे इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाएगा, प्लस आपको मैं और क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है जी, सो वंस प्लीज गिव मी क्विक कंफर्मेशन, इट इज क्लियर टू ऑल. प्लीज इन 25 क्वेश्चन को अब आपने एनालाइज करना है, सो दैट नेक्स्ट 25 हम अच्छे से कर पाए. जो सेशंस में सीखते जा रहे हो, नेक्स्ट सेशन में उन चीजों को. ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात. पेपर में 1 month यू हैव, गिव योर 100%. मोटिवेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट नहीं छोड़ना है. You can do it. Everything is possible. Just be make sure कि अपना आपने 100% हर चीज को करना है. And yeah, be positive, think positive and do positive. All the very best. Thank you.